नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और हमारे इस खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में सबकी निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता से किए वायदों में से कितने वादों को पूरा किया है और कितने वादों को अभी भी मुख्यमंत्री साहब की हरी झंडी का इंतजार है। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अपने 100 दिन की सरकार में केजरीवाल सरकार किन किन विवादों को लेकर सुर्खियों में रही। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं मुकेश कुमार जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ आप नेता इलियास आजमी जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। वहीं लखनऊ से बीजेपी नेता दिनेश दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले जनता से वादे तो कई किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल उन सभी वादों को पूरा करने की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं यहां पर धीमी होती दिखी है। लेकिन जनता से किए वादों के अलावा केजरीवाल सरकार कई विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रही। पेश है रिपोर्ट। 100 दिनों का मफलर मैन, वादा हुआ पूरा, यह विवादों का खुला पिटारा। 100 दिनों का लेखा जोखा, मफलर मैन हुए पास या जनता ने किया फेल। में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 24 मई को आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। एक तरफ जहां आप समर्थकों ने ट्विटर पर दिल्ली सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों का बखान शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल केजरीवाल सरकार के 100 दिनों के दौरान उपजे विवादों को चुन चुन कर गिना रहे हैं। सवाल यही है कि दिल्ली की जनता से वादों की लड़ी लगाने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी सरकार के 100 दिनों में आखिरकार कितने वादों को पूरा किया है और कितने वादे अभी भी अधूरे हैं। बात अगर केजरीवाल की उपलब्धियों की करें तो उनमें बिजली पानी का वादा, ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन जैसे कई वादों को बखूबी पूरा किया। अपनी उपलब्धियों के अलावा केजरीवाल सरकार पार्टी में मचे अंदरूनी कलह को लेकर भी खासी सुर्खियों में रही। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर किए जाने को लेकर जहां आम आदमी पार्टी में खासा कलह देखने को मिला, वहीं किसान रैली में किसान खुदकुशी मामला और मीडिया पर लगाम लगाने को लेकर निर्देश जैसे कई विवादों में केजरीवाल छाए रहे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को लेकर कई ऑडियो स्टिंग भी जारी किए, जिससे पार्टी के अंदर काफी घमासान देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो 24 मई को जो अरविंद केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो भी वायदे पूरे किए गए कि उस पर कितनी रफ्तार अभी तेज है या धीमी है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहरहाल दिनेश दुबे जी, जो कि बीजेपी नेता है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये कि 24 मई को अरविंद केजरीवाल सरकार के जो 100 दिन है वो पूरे होने जा रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी किस तरीके से आंकते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के इन 100 दिनों को आप? अंजलि, मैं कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में 40 विधानसभा में गया जी, और 40 विधानसभा की जनता से जब मिला तो जनता त्राय त्राय कर रही है। ये कह रहे हैं कि मैं बिजली आधी कर दिया, पानी दे रहा हूं 20,000 लीटर न, लेकिन ये पानी दे रहे हैं न बिजली दे रहे हैं, कुछ नहीं जो आ रही है उस पर किसी जो बिल आ रहे हैं वो बिल आ रहे पहले से ही जो बिल आ रहे थे उससे बढ़ के बिल आ रहे हैं। पानी का भी बिल बढ़ के आ रहा है, बिजली का भी बिल बढ़ के आ रहा है,
तो पानी और बिजली का जो उन्होंने वादा किया है जनता से झूठा वादा किया है। दिल्ली की जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही है, दिल्ली की जनता परेशान है। इन्होंने कहा मैं 2 लाख सिटी कैमरे लगाऊंगा, लेकिन आज तक इन्होंने कैमरे नहीं लगाए। इन्होंने कहा था कि मैं बस में गार्ड रखूंगा, इन्होंने कोई बस में गार्ड नहीं रखा। इन्होंने कहा था कि मैं जो है जनता के साथ मैं दिनेश दुबे जी को ठीक रखूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। दिनेश दुबे जी, आप कह रहे हैं कि बिजली और पानी के लिए जो वादे किए थे केजरीवाल ने वो पूरे नहीं किए हैं, 40 कंस्टिट्यूएंसी की आपने बात की, क्या किसी बिल का जिक्र आप कर सकते हैं? क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से बात की है और दिल्ली में ही रहता हूं, बिजली के बिल तो कम हुए हैं और लोगों के पास जो है हमारी सोसाइटी में तो कम से कम कम बिल आ रहे हैं। हमने श्याम सुंदर गुर्जर से बात की, हमने प्रकाश गुर्जर से बात की, हमने किशन मेहरा से बात की, हमने राजवीर सिंघवी से बात की, हमने 3 विधानसभा का कोई बिल आप क्या कोई बिल आपने देखा अपनी आंखों से? कितनी जो बात उन्होंने कहा कि 400 यूनिट तक जो है वो 50% करेंगे बिजली बिल, वो 400 यूनिट के यूनिट पे अगर ज्यादा कीमत ले रही है सरकार, वैसा कोई बिल आपकी आंखों के सामने आया? मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल लेके आए थे, मैंने उसको पढ़ा। यदि मैं आवश्यकता समझता कि यहाँ आना आज मुझे चरण देखना तो मैं लेके आके बिल आता, उसकी छाया प्रति दिखाता, उनका बढ़ के बिल आया था पहले। चलिए बाद में दिखा दीजिएगा दुबे जी, चलिए बाद में दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटिकली भी इस बिल को अपने पास रखना चाहिए था, क्योंकि बाद में आपको इन सब चीजों का जवाब देना है, क्योंकि केजरीवाल अपनी इन्हीं वादों के ऊपर जो है अगले 5 साल के बाद अगले चुनाव में वोट भी मांगेगी। हमारे साथ आपके नेता जो जुड़े हुए हैं इलियास आजमी साहब, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इलियास साहब, बीजेपी नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप पर कि जो वादे आपने किए थे बिजली पानी के तत्काल सरकार में आने के बाद आपने कहे थे जो हम पूरे करेंगे, बीजेपी का कहना है कि आपने उसे पूरे नहीं किए और जनता के बिल अभी भी ज्यादा आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दुबे जी जो 2 महीना पहले दिल्ली आए होंगे और 40 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में घूमे होंगे, हालांकि वो लागू हुआ है अभी पिछले महीने से, इस महीने में जो बिल आया है वो किसी को भी देख लें जी, पूरे दिल्ली में सबका 400 यूनिट तक आधा होकर आया है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा भी बिल मौजूद है, कहिए तो मैं भी आगे टीवी में दिखा दूं जी। पानी का भी ठीक वही हाल है, मफलर मैन में तो जो वादे किए थे उसमें 2 सबसे बड़े वादे थे पानी और बिजली के जी, वो फौरन ही पूरे कर दिए जी। लेकिन फेकू साहब ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उनमें सबसे बड़ा वादा था काला धन वापस लाने का। इलिया आजमी साहब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल मफलर मैन की बात करेंगे। बिल्कुल, हम उसमें भी बुलाएंगे, उस दिन भी बुलाएंगे जब हम 1 साल पूरे होंगे मोदी सरकार के, तो उस दिन भी हम प्रोग्राम करेंगे और आपको बुलाएंगे उस दिन। आप जी भर के जवाब दीजिएगा जी। देखिए, इनका 1 साल पूरा होगा, 100 दिन पूरा होगा 24 को, और उनका 1 साल पूरा होगा 26 को। बिल्कुल, एक ही दिन का फर्क है बीच में जी। नहीं, एक चीज और आज भी सब, आपने कहा कि जो वादे किए थे केजरीवाल सरकार ने मफलर मैन ने वो वादे पूरे किए हैं, 2 बात आपने कही बिजली और पानी की, लेकिन तीसरा एक जो महत्वपूर्ण वादा था, सारे वादे सौदे में पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैं जानता हूँ जो मोदी सरकार 1825 दिनों के लिए सरकार है, 100 दिन में पूरा आकलन नहीं किया सकता, पता है, लेकिन उन्होंने आते ही जो बात कही थी कि सरकार में आने के तुरंत बाद जो वो काम करेंगे वो जन लोकपाल की बात करी थी, उन्होंने जन लोकपाल बिल पास कराने की बात करी थी, फ्री वाईफाई देने की बात करी थी दिल्ली के युवाओं को, और पानी और बिजली की बात करी थी। पानी और बिजली पे तो आपने कहा जो, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैं मान लेता हूँ कि पानी और बिजली सरकार ने दे दिया, जो वादा किया था 20,000 लीटर प्रतिदिन जो मुफ्त पानी है वो मिल रहा है, मैं मान लेता हूँ, हालांकि मैं नहीं मिल रहा है बहुत लोगों को, लेकिन मैं मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन जो दूसरे वादे जो कहे थे जो आने के तत्काल बाद किए जाएंगे वाईफाई की, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। जन लोकपाल बिल का जो वादा था जो आते के साथ पूरा करेंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ और वो कहीं पे पूरा होता दिख भी नहीं रहा है। नहीं, जन लोकपाल का तो कानून बनाना है जी, और वो विधानसभा के अगले सत्र में बन जाएगा जी। जहाँ तक वाईफाई का ताल्लुक है, वाईफाई को पूरा करने में 5 साल में पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इतना बड़ा शहर है, वाईफाई के नेटवर्क से पूरा शहर जुड़ जाए
जी, उसमें 5 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं। ये तो वादा करने से पहले भी सोचना चाहिए था कि बात हो रहा, जो शहर इतना बड़ा है ऐसे वादे ना करें, झूठे वादे जो पूरे नहीं कर सकते हैं। अब 5 साल के बाद मान लीजिए अगर ये तो 5 साल में ना सही, 6-7 साल में पूरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इलिया जी, बात करेंगे बिल्कुल, उपलब्धियों पर भी आज हम बात ही करेंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ क्या कुछ विवाद रहे हैं इन सौदों में वो देख लेते हैं पहले ग्राफिक्स के जरिए। तो बिजली पानी का वादा जरूर पूरा हुआ है इन 100 दिनों में, ये उपलब्धियां हैं। वाईफाई का जो वादा था वो हालांकि इस दौरान अधूरा रहा है। रिश्वतखोरी कम जरूर हुई है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि चुनाव से पहले वादा किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जो थे वो भी जारी किए गए। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराया गया, एक बड़ी उपलब्धि जो कि वादा किया गया था। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। और अब विवादों की बात कर ले, पार्टी में 2 फाड़ है। जी हां, बात योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की, यहां पर पार्टी में 2 फाड़ नजर आई। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बड़ा विवाद है, काफी सुर्खियों में इस वजह से आम आदमी पार्टी रही है। किसान रैली में किसान की खुदकुशी, ये भी हाल ही में देखने को मिला था कि किस तरीके से किसान आत्महत्या कर लेता है। और एलजी से टकराव, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा था। फाइल निपटाने को लेकर आमने सामने हो गई थी, कोर्ट ने जो खारिज कर दी थी अर्जी। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी खबर या जो भी धूमिल छवि ना करी जाए, एक सर्कुलर दिल्ली सरकार की तरफ से लाया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। राकेश बिडलान के बर्थडे गिफ्ट पर काफी विवाद हुआ था, लग्जरी गाड़ी को लेकर मारपीट भी हुई थी उस बर्थडे पार्टी में, वो भी काफी विवाद हुआ था। कार्यकर्ता ने गिफ्ट दी थी दरअसल एक स्कॉर्पियो, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। कुमार विश्वास पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता का आरोप, जी हां, इस पर भी काफी बड़ा जो विवाद हुआ था। अवैध संबंधों को लेकर झूठी अफवाह फैलाने के खारिज ना करने का दरअसल महिला ने आरोप लगाया था। मीडिया पर लगाम लगाने को लेकर निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इन 100 दिनों में कई जो विवाद हैं वो भी फर्जी डिग्री को लेकर, बिल्कुल कानून मंत्री की फर्जी डिग्री को लेकर भी ये जो मामला था वो भी सुर्खियों में बना रहा। तो इन 100 दिनों में जहां एक तरफ उपलब्धि अरविंद केजरीवाल सरकार की रही है, तो निश्चित तौर पर जो विवाद पार्टी के अंदर 2 फाड़ नजर आई है वो भी यहां पर खुल के सामने आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 100 दिनों में उपलब्धियां भी रही हैं और साथ ही साथ विवाद भी रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार में। और चलिए, केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने, आइए आपको सुना दें। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है, आइए हम इस पर बात करते हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। मैडम, केजरीवाल सरकार के 100 दिन हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? केजरीवाल जी ने सरकार जरूर बनाई है और बड़ी भारी मेजोरिटी से बनाई है, लेकिन ये सरकार का जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो वायदे किए उन्हें कैसे पूरे किए जाएं, उसकी झलक अभी नहीं मिल रही है। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकार बनाने के बावजूद भी एक एनार्की चल रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। बिजली मिलेगी या नहीं, बिजली की कटौती हो गई, शुरू हो गई है, वैट का क्या हो रहा है, वाईफाई का क्या हो रहा है, जो उन्हें 70 वायदे किए थे उनमें से खुद ही उन्होंने कबूल कर दिया कि हम 30-40 को पूरा कर पाएंगे। मैम, लेकिन खास तौर पे अगर मीडिया की बात करें कि मीडिया के ऊपर फाउंडेशन लगाना, फिर सुप्रीम कोर्ट से रद्द करना, कहीं ना कहीं मीडिया टारगेट, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक एनार्की फैलाने की बात है। हर एक जो सिस्टम चलता आया है उससे एक तरह से उसका सामना करना, उसको चुनौती देना, उसको बदलने की कोशिश करना, सिवाय इसके और कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और घबराहट होती है कि दिल्ली कैसे चलेगी। मैम, लगातार ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें मदद नहीं मिली, यही वजह एमसीडी के लोगों का कोई पेमेंट नहीं। देखिए, ये गलत बात है,
केंद्र की सरकार इतनी मदद दे दी थी, लेकिन एमसीडी को जो पैसा दिया जाता है वो दिल्ली सरकार हमेशा दे दी थी। हम लोग भी दिया करते थे, क्योंकि उनके कर्मचारियों को पैसा न मिले ये तो मैं समझती हूँ बहुत ही अन्याय का काम है, और इसको करना चाहिए। और हमेशा देते थे हम लोग, और उसको एडजस्ट कर लेते थे ऑन अदर थिंग्स। और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि 24 मई को आम आदमी पार्टी के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, किस तरीके से आंकते हैं आप इन 100 दिनों को? देखिए, मैं समझता हूं कि 100 दिन किसी भी सरकार के आकलन के लिए वैसे तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सरकार 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। लेकिन केजरीवाल महोदय जिस वायदों के रथ पर चढ़कर आए थे, तो जनता आज दिल्ली की जो है वो सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से आतुर है कि आपने जो 70 वायदे किए थे और तमाम तरह के वायदों के ऊपर आपने जनता का विश्वास जो जीता था, उन वायदों का क्या हुआ? आप तो केंद्र सरकार से झगड़े में लिप्त हैं, हरियाणा सरकार से, एमसीडी से, आज एलजी महोदय से जिस तरह से जंग चल रही है आपकी, आप बताइए कि आपने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ? अगर जब आपका मन नहीं भरा तो आप आपस में ही लड़ने लगे, तमाम लोगों के लिए आप पर आरोप लगते चले जा रहे हैं, मंत्रियों की फर्जी डिग्रियां मिलती चली जा रही हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब फ्री वाईफाई होगा, कब लोगों को जो झुग्गियां थी उनकी स्थान पर मकान मिलेंगे, कब नई बसें दिल्ली में आएंगी, कब नए पुलों का उद्घाटन होगा। दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है। आपने कहा कि साहब हम आएंगे, आते ही अनऑथराइज कॉलोनीज को हम ऑथराइज कर देंगे। आज 100 दिन होने को आए हैं, लेकिन उस दिशा में कोई कदम आपने नहीं उठाया है। आपने कहा था कि हम जैसे ही आएंगे आते ही जन लोकपाल बिल हम लेकर आएंगे, लेकिन कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि लोकायुक्त भी आप क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह पारदर्शिता की सवारी कर यहां तक पहुंचे थे ये लोग, आज पारदर्शिता तो पिछवाड़े चली गई है। और मीडिया को जैसे ही आप सचिवालय में घुसे मीडिया को बाहर कर दिया, मीडिया के ऊपर लगाम लगाने के लिए आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को दखल देके और उसको रोकना पड़ा। मैं समझता हूं कि जिस तरह की आज दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है वो सरकार के नाम पर एक धब्बा है। आजमी जी से जवाब ले लेते हैं जी, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आपको विश्वास, बिल्कुल आजमी जी से जवाब ले लेते हैं। आजमी जी क्या कहेंगे? नहीं उतर पा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि मैं मानता हूं कि नाकामी है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में जो लूट हुई थी 70,000 करोड़ रुपए की, संघलू कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके उसके मुजरिमों को जेल भेजे तो और वो पैसा वापस वसूल करें, उससे बहुत सारा काम हो जाएंगे। और इन लोगों के मुंह में जो गज भर लंबी जबान हो गई है वो जबान खुद ब खुद अंदर चली जाएगी। जी, तो सबसे पहले संघलू कमेटी की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी चाहिए। उन 70 वादों में एक वादा ये भी है जी, इन कांग्रेसियों को जो जिन्होंने लूट लिया दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम में, बिल्कुल आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं। आप भी मतलब अपने जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज से आप भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं? सर नहीं नहीं, संघलू कमेटी ने बाकायदा जांच करके रिपोर्ट दी है कि वो रुपया लूटा गया। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जैसे बहुत सारे काम नहीं हुए हैं उसमें एक काम यह भी है, और मैं खुद आम जनता बनकर ये मांग करता हूँ कि पहले संघलू कमेटी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आजमी जी आप एक बात तो जी बिल्कुल आजमी जी, लेकिन एक बात तो मानते हैं ना, जिस तरीके के पार्टी में हाल ही में जो इन 100 दिनों की अगर बात करें, जिस तरीके के विवाद नजर सामने आए हैं, चाहे योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण का मामला हो, कहीं ना कहीं जब भी पार्टी की हार होती है तो जो आवाजें हैं वो निकलकर सामने आती है। लेकिन दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने वाली आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का गुस्सा निकलकर सामने आया है और जिस तरीके से उसे हैंडल किया गया, क्या लगता नहीं आपको कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आई है इसमें? नहीं देखिए, उसमें जितने लोग हैं जी बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी में मेरे अलावा कोई नहीं रहा है जी। पहले कोई आदमी किसी हाउस का मेंबर नहीं रहा है जी, उसको छोड़ के जी जितने बड़े नेता कहे जाते हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जी,
उसमें से कोई कभी किसी सदन का मेंबर पहले नहीं रहा है, तो जाहिर है कि ना पहले के कार्य में कुछ गलतियां तो हुई थी, और ये सबको मान के चलना चाहिए था कि पहली बार सड़क से एकदम से जो लोग सत्ता में पहुंचे हैं जी, उन लोगों में कुछ सेंटर के भी कुछ तजर्बे की कमी तो होगी ही, लेकिन क्यों देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 100 दिन सरकार के अच्छे रहे हैं जी, पार्टी के चाहे अच्छे ना रहे हों। आजमी जी मेरा सवाल ही इसलिए था क्योंकि जिन चार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौच हुई है उनके साथ, ये मेरा सवाल है कि हैंडल बहुत गलत तरीके से किया गया। देखिए मैं उस मीटिंग में मौजूद था और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मारपीट किसी के साथ नहीं हुई अंदर जी, अब बाहर सड़क पर क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता। हम इस बात से अलग हटते हैं कहते हैं कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं, 100 दिन का समय बहुत कम होता है, लेकिन 100 दिन में जो काम किया है तो उससे पता चल जाता है कि जो सरकार है वो अगले 5 साल में कैसा काम करेगी। वादों को पूरा करने की अगर स्पीड देखें वो काफी कम है, औसत स्पीड जो है पानी और बिजली के अलावा कुछ नहीं कर पाई है सरकार, और लगातार विवादों में ही उलझती जा रही है, चाहे वो एलजी के साथ विवाद हो, चाहे अपनी पार्टी के भीतर के नेताओं के साथ जो विवाद है वो विवाद हो, चाहे केंद्र सरकार के साथ जो उनकी धनी हुई है उनको लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री काम करने की बजाय जो वादा जनता से करती है सत्ता में आई थी उसके बजाय विवादों में उलझ रही है? उसका जवाब भी सुन लीजिए, मोदी जी ने 100 दिन में पार्लियामेंट हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी के कमरे भी नहीं देख पाए थे, इन्होंने तो 100 दिन में कुछ करके दिया है, इन्होंने 100 दिन में एक सुई के नोक के बराबर भी कोई काम नहीं किया था, इन्होंने एक एसआईटी बनाने के, बिल्कुल एसआईटी तो कागज पर बनती है, वैसे ऐसी 100 एसआईटियां बैठ के मैं भी कमरे में बना दूं अगर मुझको पावर हो तो जी। बिल्कुल ठीक है, आदमी जी आएंगे आपके पास, इससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि कांग्रेस नेता अरुण यूसुफ से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला ने। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की आशाएं तो जगी है लेकिन काम कितने हुए हैं इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ हैं। हारून साहब क्या लगता है क्या उपलब्धियां रही 100 दिनों की? देखिए जो उपलब्धियां रही वो तो दिल्ली की जनता के सामने है, लेकिन इस 100 दिनों में जितना कन्फ्रंटेशन चाहे वो अफसरशाही हो उसके साथ हो या मीडिया के साथ हो या अपनी पार्टी के लोगों के साथ हो, और मैं समझता हूँ कि रोज एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करके दिल्ली की जो गवर्नेंस सिस्टम है जिस तरीके से दिल्ली चलती है ऐसा लगता है दिल्ली रुक गई है, सिवाय बिजली के आधे दाम और फ्री पानी के और कोई राग केजरीवाल सरकार के पास अपने के लिए नहीं है, और मैं समझता हूँ आज दिल्ली की जो हालत हो गई है कई कई घंटे बिजली जा रही है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, सड़कों की हालत आप देखें गड्ढे हैं, मलबा पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट रात कुछ जलती नहीं है, मैं समझता हूँ क्योंकि अभी केवल 100 दिन हुए हैं और मैं समझता हूँ कि 100 दिन काफ़ी नहीं होते, और टाइम इनको देंगे, लेकिन इनको केजरीवाल सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ लोगों की जो समस्याएं हैं दिल्ली का जो विकास है उस पर अपने आप को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ना कि नारेबाजी और इस तरह के जो इख्तलाफात या कन्फ्रंटेशन। विवादों की बात करें अगर आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से विवादों से उसका नाता जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप विवादों के कारण काम पर फर्क पड़ रहा है दिल्ली की जनता भुगत रही है? देखिए उनका ये काम करने का तरीका है कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए आदमी का जहन वो इस तरह के विवादित मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन चूंकि केजरीवाल सरकार का गवर्नेंस के अंदर कोई विश्वास नहीं है और बिल्कुल एक तानाशाही और एनार्किस्ट जिस तरीके से सोच रखते हैं उस सोच के साथ दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। देखिए बजाय दूसरों पर नजर रखने के चाहे वो मीडिया हो ब्यूरोक्रेसी हो कानून कायदे हो उनको अपने ऊपर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है कि किस जिम्मेदारी के लिए दिल्ली के लोगों ने इस तरह का प्रचंड बहुमत उनको दिया था। तो हारून यूसुफ का कहना है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उनके लिए काम करना चाहिए, ना कि विवादों में पड़कर समय खराब करना चाहिए।
दुबे जी, एक आरोप बीजेपी भी लगा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने आरोप लगाया है कि एलजी के साथ जो विवाद है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है और बीजेपी सत्ता पलट करना चाहती है एलजी के माध्यम से। ये आरोप आप पे लगा है और जो विवाद को जन्म दिया जा रहा है उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है आप? कोई भी गलत काम जब केजरीवाल करते हैं तो अपनी गलती बीजेपी पे उड़ते हैं, केवल मोदी जी को कोसते हैं। उनको जब जनता ने चुन के भेजा है, इतना पूर्ण बहुमत दिया है, पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी है, तो काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी की सोच हमेशा दिल्ली की जनता के प्रति रहती है और हमेशा प्रतिदिन दिल्ली की जनता के दुख दर्द को मोदी जी सोचते हैं, उसके लिए जो कुछ करना होता है वो करते हैं। अभी हमारी जो जीवन बीमा योजना जो आई है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत लाभकारी है, गरीब जनता उससे लाभकारी होगी, गरीब जनता को लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता बहुत ही प्रशंसा कर रही है मोदी जी के जीवन बीमा के। बिल्कुल बिल्कुल, आलोक शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली की जनता का विकास नहीं करी, लेकिन अगर थोड़ा हम पीछे जाएं, जब 49 दिन की सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की और उसमें 8 विधायकों का, कांग्रेस के जो 8 विधायक थे उनका भी समर्थन था, उसी के समर्थन से ही सरकार बनी थी, लेकिन उस दौरान आम आदमी पार्टी का कहना था कि कांग्रेस के इन 8 विधायकों ने हमारा समर्थन ही नहीं किया, हमारा साथ ही नहीं दिया, जिस वजह से हमें इस्तीफा देना पड़ गया। कांग्रेस पर उस समय पीड़ा थोड़ा था, क्या कहेंगे आप? उस समय साथ देते तो शायद दिल्ली की जनता को इतना वक्त नहीं लगता, वेट नहीं करना पड़ता। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी केजरीवाल को समझना चाहिए कि 49 दिन की सरकार में जब वो वायदे कर रहे थे कि दिल्ली की तमाम समस्याओं को उन्होंने दूर कर दिया है और आज 100 दिन हो गए हैं, आप 100 दिन में अपना बजट भी नहीं ला पाए हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चुनाव लड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कह रहा है कि दिल्ली के अंदर डेली 5 रेप से ज्यादा एवरेज रिपोर्ट आ रही है, दर्ज होते हैं मामले। आपने कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई का क्या हुआ? राज्य सरकार, जहां तक आपने जो आरोप की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से आधिकारिक तौर पर कहना चाहूंगा कि हमने पार्टी केजरीवाल को करने के लिए और हमने उन्होंने स्वयं अपना प्रस्तुत जो वायदे करके आए हैं वो पूरे नहीं कर सकते। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। जब नहीं काम कर पा रहे हैं तो एलजी महोदय से जंग की लड़ाई छेड़ दी है इन्होंने। आप देखिए कि क्या किया पिछले 4 महीने में और उनसे पहले 49 दिन में, एक भी टेंडर दिल्ली जल बोर्ड का ऐसा आया हो, एक भी कोई सीवरेज सिस्टम के साथ का टेंडर आया हो, कोई नई बस खरीदने का आया हो, ई रिक्शा के ऊपर पूरा चुनाव लड़ दिया, ई रिक्शा के 10 लाइसेंस मात्र उन्होंने अभी तक दिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आप कर रहे थे, अभी हमारे दिनेश दुबे जी आपको कुछ बीच में टोकना चाह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सीधा सा मामला है, केंद्र के अंतर्गत है और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की है भाई। हाँ बिल्कुल जी, दिनेश मोदी जी की जो नाकामी है उसको आप केजरीवाल के सर पर क्यों डाल रहे हैं? वहीं केजरीवाल सरकार के 100 दिनों पर आम जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं और करेंगे वो। हमारे जो सरकार उनकी बनी है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो पूरा करेंगे वो। ये विवादें तो बहुत ही रहती है, कोई भी पार्टी आएगी उनके साथ भी होती रहती है, इनके साथ भी होती है, लेकिन उनसे ये पार्टी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। वादे पूरे कोई भी नहीं हुए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो एक्चुअली अभी पूरे नहीं हुए हैं। जितने भी उन्होंने 2 लाख कैमरे लगवा देंगे, ये हॉस्पिटलाइज कर देंगे पूरे दिल्ली को और इतने अच्छे बेड लगा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ है उसमें। हाँ बिल्कुल सही काम हो रहा है, हमें उम्मीद है अगर ये प्रधानमंत्री होता तो बहुत बढ़िया काम होता। कोई बेकार की बात है, कुछ नहीं किया है, जो कह रहा था वो करूंगा, ये करूंगा, वो करो, कुछ नहीं किया है। तो बिल्कुल जनता की अपनी अपनी राय है कि अरविंद केजरीवाल अपने वायदों को पूरा कर पाए हैं या नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन जो भी 70 वादे किए उन 70 में से 70 वादों को अगर पूरा कर देते तो निश्चित तौर पर आगे भी जो दिल्ली की जनता है उन्हें सराखों पर बैठा के रखेगी। बहरहाल इलियास आजमी जी आपके पास आना चाहूंगी, बात लोकपाल की यहाँ पर अगर की जाए, बात आपकी पार्टी के जो आंतरिक लोकपाल रहे हैं एडमिरल रामदास उनकी की जाए, उन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी और चिंता जताई थी कि पार्टी में जिस तरीके से फूट पड़ती जा रही है, अंतर कलह दिखती जा रही है, उससे पार्टी को नुकसान होगा, और साथ ही साथ उन्होंने एक और मसला उठाया था, उन्होंने ये पूछा था कि क्या अब जो दिल्ली सरकार है वो बॉयज क्लब बन के रह गई, इशारा साफ है कि मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं बनाई गई, कितनी सच्चाई है इसमें? किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात, सरकार के मामलात पर तो सरकार जनता के पैसे चलती है, जनता में बहस होनी चाहिए जी।
लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामलात में जनता पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकपाल एडमिरल जो रहे हैं रामदास, उन्हें क्यों हटा दिया गया? मैं सुन ले जी, देखिए हम बता दें, वो पार्टी के अंदरूनी मामलात की बहस टीवी पर जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार के मामलात में क्योंकि जनता के पैसे से सरकार चलती है जी, उसकी जनता में बहस होनी तो चाहिए। मैं सरकार की बात करता हूँ, बिहारी की सरकार है तो मोदी की। ठीक है आदमी साहब, मैं सरकार की बात करता हूँ, मैं सरकार की बात करता हूँ। के शर्मा जी के छुट्टी पे जाने के बाद से जो शकुंतलम जी को चार्ज दिया गया है तत्काल, जो छुट्टी के दौरान वो रहेंगे 10 दिनों तक, उसमें जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं बता दूं हाँ बताइए। राज्यपाल को हक नहीं था, ये मुख्यमंत्री को हक था। मुख्यमंत्री के पास तो 36 घंटे से ज्यादा है फाइलें भरी रही उनके पास, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। आज जो नाम दिया उनका नाम कहीं भी पर्सनल विभाग की सूची में नहीं था। अगर तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो वो तो कहीं से उनका नाम नहीं था जिस नाम को वो प्रमोट कर रहे थे। देखिए, मैं तकनीकी तौर पर मुख्यमंत्री को पूरा हक है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में एक आदमी जो आईएएस न था न तो पीसीएस था। देखिए आदमी साहब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में संवैधानिक रूप से बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी के किसी भी निर्देश का वो को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके जो दिल्ली का जो शासन है वो एलजी के अंदर अंतर्गत चलता है। मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन आपका नाम है, आप ये जो कह रहे हैं कि जिसको वो बनाना चाहते थे उनका कायम मुकाम उत्तर अधिकारी, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो एलिजिबिलिटी इसमें मुख्यमंत्री को पूरा हक है कि वो किसी को भी किसी पद पर कुछ दिन के लिए बैठा सकता है। अरविंद केजरीवाल, ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उससे इसलिए खफा है क्योंकि वो ऊर्जा विभाग की सचिव थी और जब बिजली आंदोलन चला रहे थे वो उस दौरान जो है इनके पक्ष में काम नहीं किया था, वो बिजली विभाग के पक्ष में काम करती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल उनसे नाराज थे और उनको इस पद पे मुख्य सचिव के पद में नहीं बिठाना चाहते थे। कितनी सच्चाई है ये आरोप लगाया जा रहा है? तो कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री है वो तो मुख्यमंत्री को फ्री हैंड काम करने दिया जाए। मुख्यमंत्री का ये नहीं फ्री हैंड तो संवैधानिक दायरे में ही फ्री हैंड दिया जा सकता है ना आदमी साहब, संविधान के दायरे से बाहर। हाँ, संवैधानिक दायरे में भी मुख्यमंत्री को ये हक है जी, ब्यूरोक्रेट से जिस तो आप ये कहना चाहते हैं कि एलजी जो है संविधान के दायरे से बाहर जाकर के काम किया है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। वहीं केजरीवाल सरकार के 100 दिनों पर आम आदमी पार्टी से निष्कासित हुए नेता अजीत झा का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के बारे में उनके पुराने साथी क्या सोचते हैं इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अजीत झा हैं, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में मेंबर थे, बट अरविंद केजरीवाल ने जिन 4 लोगों को निकाला था उसमें ये भी थे। सर, 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, अब आप लोग हिस्सा नहीं है लेकिन आपकी अपनी पार्टी है, क्या कहेंगे आप, कैसा रहा कामकाज? देखिए, जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है, 100 दिन बहुत कम समय होता है किसी भी सरकार का आकलन करने के लिए, और सत्ता में आते ही जो बिजली पानी से संबंधित जो बुनियादी वादे थे उनको केजरीवाल सरकार ने पूरा किया, उसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि जनता के सवालों पर संवेदनशील तरीके से आगे भी काम करते रहें। जो बहुत दुर्भाग्यजनक बात थी वो ये थी कि जिस बात को लेकर के अरविंद खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिस कानून को रद्द करने की मांग लेके गए थे और जहां कोर्ट ने उसकी अहमियत को समझा और एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, उसी कानून का इस्तेमाल करने का इरादा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिखाया, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बिल्कुल हमारे साथ इलियास आजमी जी भी जुड़े हुए हैं। इलियास जी,
ये तो आप मानते हैं ना, ठीक है आपने कहा ये बात कि पार्टी के अंदर की जो बातें हैं उसे चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता, लेकिन इसे आपको मानना होगा कि पार्टी के जो बागी नेता है, जिन्हें आम आदमी पार्टी बागी नेता कहती है, वही अपनी सारी जो अंदर की बातें हैं वो बाहर जनता के सामने ला रहे हैं। फिर चाहे अभी जो फिलहाल अजीत झा जी की हमने बाइट सुनाई थी वो हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, ये तमाम ही तो, क्योंकि प्रशांत भूषण ने खुद कहा, उन्होंने तो खाप पंचायत तक आम आदमी पार्टी को कह दिया, तानाशाह कहा अरविंद केजरीवाल को, अब इससे बढ़कर आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो नाम आपने लिए हैं जी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए और पूरी जनता के लिए इज्जत का मुकाम रखने वाले लोग हैं। मैं इन लोगों की किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये मेरे कल भी मेरे लिए इज्जत के लायक लोग थे, आज भी हैं। आजमी जी इनका ये कहना है कि पार्टी में जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ये तो हुआ है। मैं हाफ हाफ की या जोगिंदर यादव की या प्रशांत भूषण की या अपने बनारस वाले आनंद कुमार साहब की, इन लोगों की बात का मैं कोई जवाब नहीं देता जी। ठीक है, आज भी साहब हमारे पास समय की कमी है। हम आखिरी में आप सभी मेहमानों से एक चीज जानना चाहेंगे। हम जानते हैं अभी डिस्कशन में और भी बहुत चीज होनी चाहिए थी, बात काफी आगे जानी चाहिए, लेकिन समय की कमी है हमारे पास, मजबूरी है हमारी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के 100 दिन की जो सरकार है अभी, 100 में से कितना नंबर देंगे आप उनको? ये 100 दिन की जो सरकार है इसके कामकाज पर, पार्टी के मामलात को छोड़ के, पार्टी का सरकार के काम से कोई ताल्लुक नहीं होता, सरकार के कामकाज पर मैं 65 से 70 नंबर तक दूंगा। जी बिल्कुल, आलोक शर्मा जी कितने नंबर देंगे आप 100 में से? जी आलोक जी हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? अपने विवादों से निपट लेने दीजिए जी, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई इस तरह की कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से या कोई कार्रवाई भी हुई है, सरकार चलाने का कोई नमूना भी इन्होंने पेश किया हो कि इनको नंबर देने के लायक भी समझा जाए। अभी पार्टी केजरीवाल को नंबर देने के लायक भी कांग्रेस पार्टी नहीं समझती। दिनेश दुबे जी आपकी प्रतिक्रिया, कितने नंबर देंगे 100 में से? पार्टी केजरीवाल सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ सुबह से शाम तक मोदी सरकार को कोसना चाहती है, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए रात दिन ये योजनाएं रचती रहती। नहीं, आप नंबर बताइए 100 में से कितने दे रहे हैं आप? 100 में से 0 दे रहे हैं या 100 में से 65 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 100 में से 60 नंबर। चलिए शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए इलियास आजमी जी आपका, साथ ही साथ आलोक शर्मा जी आपका भी और दिनेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश जी आखिरी में आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी कि 100 दिन फिलहाल अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपके हमारे नेता हैं वो काफी जो है, मुझे उनकी बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने अपनी सरकार को खास तौर पे उन्होंने जो पार्टी का विवाद है उससे अलग करके अपने कामकाज को 65 नंबर दिया है। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही एक निष्पक्ष और ईमानदार आकलन है, 65 नंबर दिया है, क्योंकि वरना इससे पहले मैं जितनी भी सब रिपोर्ट कार्ड पे जब भी मैंने बात करी है तो कांग्रेस के नेता हो या चाहे बीजेपी के नेता हो अपनी सरकार को 100 में से 100 नंबर ही देते नजर आए हैं। लेकिन ये पहली बार मैं आपके नेताओं की इतनी ईमानदारी तो जरूर है कि वो मान रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है 100 दिनों में और 100 में से 65 नंबर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी बची हुई है और कुछ जो लोग जो आपके समर्थक जो कि हमारे साथ जुड़े थे इस प्रोग्राम में उसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, तो मुझे लग रहा है कि सही में 100 दिन का जो समय होता है वो किसी भी सरकार के आकलन के लिए ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन एक चीज जो मैंने कही कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो शुरुआत अच्छी है। अगर इसी दृष्टि से अगर विवाद से अलग अपने आप को कर पाए केजरीवाल तो मुझे लगता है कि 5 साल में ये वादों को पूरा कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से विवाद ने इनका पीछा किया हुआ है, जिस तरीके से विवाद में उलझे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरा हो पाएंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए मुकेश कुमार जी आपका भी। तो एक बात तो यहाँ पर साफ है कि अगर विवादों से इसी तरीके से घिरे रहते हैं अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार, तो कहीं ना कहीं अपने ही विवादों में और अपनी ही पार्टी में उलझ कर रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें अपनी सराखों पर बैठाया और दिल्ली की जनता बस यही चाहती है कि बस विकास और जो 70 में से 70 वादे किए हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल और उनकी जो सरकार है वो पूरा कर दिखाए। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ, नमस्कार।
एक व्यक्ति ने अपने दूध वाले से झल्ला कर कहा, तुम में और गाय में केवल यही अंतर है कि वो शुद्ध दूध देती है और तुम पानी मिलाकर दूध देते हो। दूध वाले ने उत्तर दिया, नहीं जनाब, एक अंतर और भी है, मैं उधार दूध देता हूँ और गाय उधार दूध नहीं देती। रात के 2 बजे पत्नी का मोबाइल बजा, पति चौंक कर उठा तो देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। पति ने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है, तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज आखिर किसने भेजा है? पत्नी भी चकरा गई कि 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्ला कर पति से बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है इसमें।